अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताज किचन 76 में आपका स्वागत है। तो हमने मटन का गोश्त भी इसमें मिक्स किया है, शीरी के अंदर मटन की हेड के साथ मैंने मटन भी डाला है, तो उससे क्या है ना टेस्ट बहुत अच्छा आएगा आपका मिक्स करके डालेंगे। तो हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है, तो अभी हम लेंगे बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से, वेरी टेस्टी तरीके से आपको बताती हूँ मैं। अभी इसे हमने धो के साफ़ कर लिया, अभी हम कुकर लेंगे। गाइस हमने कुकर लिया है, उसमें हम पूरा ये मिक्स किया हुआ मटन, शीरी का गोश्त, हेड वगैरह सब मिक्स कर लिया मैंने पाया, और इसे हम कुकर में डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साल्ट डाला है थोड़ा सा और लिए, और 2 टेबल स्पून भर के हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर डाला है, 1-2 टेबल स्पून हम इसमें डाल दें रेड चिली पाउडर, और अभी हम इसमें डाल देंगे साथ ही में ऑयल, देखिएगा इस हमने ऑयल डाल दिया है, 2 बड़े स्कूप भर के मैंने इसमें ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। तो अभी इसमें हम साथ ही में डाल दें ऑनियन, टोमेटो हम नहीं डालेंगे, टोमेटो से हमें मीठी मिठास आएगा, तो इसमें हमने तीखा बनाना है, ये बहुत ही अच्छी रहती है, बॉडी को इम्यूनिटी देती है और सर्दी जुकाम सब निकल जाता है इसे खाने से। सर्दियों में इसका सेवन करें बहुत अच्छा रहता है, जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम इसमें 2 ग्रीन चिलीज डाल दें, और अब हम इसमें 2 स्कूप भर के गार्लिक जिंजर का पेस्ट बना के रखा वो डाल दें, हम 2 ग्लास भर के पानी डाल दें, देखिए हमने 2 ग्लास भर के पानी भी डाल दिया है, और अब इसे हम आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना डाल सकते हो। तो अभी हम इसे बंद करेंगे, इसे हम 5 से 7 सीटी लगवाएंगे, इतनी जल्दी मटन है तो गलेगा नहीं गोश्त अपना, तो इसे हम 4 से 5 सीटी लगवा लें। देखिए 4 से 5 सीटी लगा ली हमने, इसे हम बीच में खोलेंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी देखिए इसमें हम हल्का सा गर्म मसाला डालेंगे, कैसे इसे हम 5-10 मिनट के लिए खुला पका लिया है, अभी क्योंकि ये 80% तक ही पका हुआ है तो हम इसे अच्छे से गलाएंगे, तो इसे 2 से 3 सीटियाँ और लगवाएं। बीच में खोलने का मकसद ये था क्योंकि हम जब खोल के उसको अच्छा टेस्ट करके पकाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है सीरी हमारी। तो अभी इसे हम बंद करें, 2 से 3 सीटियाँ डाल के अच्छे से गला लें। गाइस हमने 4 सीटी और लगवा ली है और हमारा शीरी पाया बन के तैयार है, तो अभी हम इसे रोटी सलाद के साथ सर्व करें, खाइए मज़े लीजिए, बहुत इजी तरीके से बना है, बहुत ही टेस्टी बना माशाल्लाह, आप ज़रूर बना के देखें, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।